सो गाइस वेलकम टू द एजर ब्लॉग्स, मैं हूँ आर्यन सोलंकी एंड सुबह के बज रहे 9 और आज है 14 फेब यानी मकर संक्रांति, हम सभी का प्यारा सा त्यौहार उत्तरायण। और आज बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि आज मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स के यहाँ से मुझे इन्विटेशन आया और वो वहाँ पे जाके पूरा धमाल मचाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो, तैयार होके मिलते हैं, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपने पहले फ्रेंड के घर, साहिल के घर। चलिए चलते हैं। मैं थोड़ा सा लेट भी हो चुका हूँ, थोड़े काम को लेकर बिजी था, तो लेट्स गो। और एक चीज़ बाकी रही, वो है मास्क। हाँ गाइस, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है अभी, तो सेफ्टी फर्स्ट। तो चलिए चलते हैं साहिल के घर पे, लेट्स गो फॉर इट। तो हम जा रहे हैं साहिल के घर पे, कुछ पतंगे ले लिए, तो लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस हमें जाना है वहाँ पर साहिल के घर, चलिए चलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे ओम भरिया के घर। फाइनली हम साहिल के घर पे आ चुके हैं और साहिल ऊपर है, हम भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये है साहिल जिसके घर हम लोग आए आते हुए यहाँ पे आर्यन सोलंकी विद लाइफ। और यहाँ पे हमारा बीमार ब्लॉगर रोहन जोशी, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम सेट करता हुआ, यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर बिगड़ता हुआ, तो हम इसको रिपेयर करेंगे बिकॉज कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। और यहाँ पे प्रेयर ट्राई करता हुआ, होप गाइस आप लोग फुल सेफ्टी के साथ, आप लोग भी इंजॉय, आपने भी उत्तरायण को इंजॉय किया होगा, हम भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पर पतंग चगा रहे हैं अब, लाए हम भी चगा। तो हमारी पतंग कट चुकी है अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे फिर का लपेट चुका हूँ मैं, तो अभी 12 बज रहे हो और पब्लिक इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लुक एट दिस, इतना क्राउड नहीं है जितना हर बार होता है, लेट नाइट ज़्यादा होगा, दोपहर है इसलिए बहुत शांत सा माहौल है। और ही चल रहा है। हमारा म्यूजिक सिस्टम बंद हो चुका है इसलिए हमारा थोड़ा सा मूड डाउन हो चुका है। लेट्स सी, तो गाइस फाइनली मैं अब ओम भरिया के घर पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारी पतंगें चगाई पर मैंने एक भी नहीं काटी। मैंने करीबन 10-15 पतंग चगा चुका हूँ पर मैंने एक भी पतंग अभी तक काटी नहीं। आज कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जो मैं स्पीकर्स बज रहे हैं वो मेरे रेंट पे दिए हुए हैं, यानी मेरी म्यूजिक सिस्टम है जो मैंने भरिया को रेंट पे दी हुई है। तो मज़ा आ रहा है, भरिया ने मुझे इन्वाइट किया था, मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल, तो एंजॉय कर रहे हैं पूरा।
वेट है शाम की, बिकॉज यहाँ से जो हमारा नज़ारा शाम का जो हर वक्त से हमारा होता है वो नज़ारा, तो शाम को जो नज़ारा होता है उसकी मज़ा तो कुछ और ही है। तो enjoying. सो गाइस, आपका उत्तरायण कैसी गई कमेंट करके बताना भूलना मत। और मेरे से एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये कि आपको आधा ही वीडियो देखना मिलेगा, मिला होगा शायद, सॉरी, दोपहर तक, बिकॉज दोपहर के बाद मैं अपनी नानी के वहाँ पर गया था, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा वक्त लगा, मैं थक गया था, तो मैं अपना ब्लॉग शूट करना भूल गया। एंड वहाँ पर फिर थोड़ी सी मस्ती मजाक मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। और वैसे भी आज उत्तरायण जैसा माहौल लग नहीं रहा था जो हर साल होता है, जो क्राउड होता है वो लगा नहीं। और वैसे भी आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, पता नहीं क्यों मुझे। और सेकंड मोस्टली थिंग कि कल देखते, कल वाशी उत्तरायण है, कल क्राउड रहता है कि नहीं रहता कल। और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा पूरा ब्लॉग शूट करने के लिए कर नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो वाशी उत्तरायण पर होगा। तो देखते कल क्या होता है क्या नहीं। ऐसे भी आज का मेरा इवनिंग मोमेंट मिस हो चुका है ट्रैवलिंग की वजह से, तो अच्छी टुमारो क्या होता है क्या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।